सोनीपत के महलाना रोड स्थित बंदा वीर बैरागी धर्मशाला में आज भाजपा की एक सभा का आयोजन हुआ। इस सभा में मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व मंत्री कविता जैन पहुंची। इस दौरान उन्होंने उपस्थित जनों को भाजपा सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए वोट की अपील की। वहीं इस दौरान जगत महान न्यूज प्रतिनिधि ने पूर्व मंत्री से कर्मचारियों की ओपीएस की मांग, किसान आंदोलन जैसे मुद्दों पर तीखे सवाल किए, जिस पर कविता जैन ने किसानों और कर्मचारियों के लिए भाजपा सरकार द्वारा किए गए कार्यों को गिनाने का काम किया। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, आज जगत महान न्यूज की टीम पहुंची है सोनीपत के बंदावीर बैरागी धर्मशाला सोनीपत में। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री कविता जैन जी, और यहां पे एक कार्यक्रम था मोहन लाल बरोली जी के समर्थन में। आप क्या कहना चाहेंगे मैम, किस तरह का माहौल आपको यहाँ इस एरिया में लगा, और क्या कहेंगे, क्या आपकी बार तीसरी बार फिर से बीजेपी को सीट मिलेगी? देखिए, क्योंकि चुनाव लोकसभा का शुरू हो चुका है और सोनीपत से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी या पूरे हमारे पूरे हरियाणा में डिक्लेयर हो चुके हैं, तो हमारे सोनीपत विधानसभा क्षेत्र में भी चुनावी जनसभाएं शुरू हो चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं कि आज हमारी बैरागी धर्मशाला में मालवे नगर की हमारी वार्ड नंबर 19 की आज ये सभा थी, और मोहन जी के समर्थन में। और जिस तरह का माहौल यहाँ पर है, तो ये बात बिल्कुल तय हो चुकी है कि देश की जनता और सोनीपत की जनता तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। और उसकी वजह है कि पिछले 10 सालों में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, ना केवल देश को मजबूत करने का, बल्कि जिस तरह से देश के अंदर गरीब, युवा, महिला और किसान चार कैटेगरी में बांट कर जिस तरह से हर वर्ग को आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, विकसित भारत बनाने का जो सपना आज नरेंद्र मोदी जी ने, मैं समझती हूँ वो सपना नहीं, एक संकल्प के रूप में लिया है। और आज जितने भी हमारे लगभग 530 के करीब पिछले 10 सालों में हमारे मैनिफेस्टो में जो भी जितनी भी बातें कही गई थी, वो सब हमने पूरी करने का काम किया है। और निसंदेह मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में जो जितनी भी हम लोग वायदे करेंगे वो पूरा करने का काम करेंगे। और पिछले 10 साल के अंदर सोनीपत, चाहे लोकसभा क्षेत्र हो चाहे विधानसभा क्षेत्र हो, जितना परिवर्तन हमारे क्षेत्र के अंदर हुआ है, जितना कार्य हुआ है, पहले कभी नहीं हुआ। और यहाँ पर मैं मोहन जी का प्रतिनिधित्व करते हुए और नरेंद्र मोदी जी की राम राम कहने सभी विधानसभा के लोगों के बीच में आई हूँ, और लोगों ने भी ये वायदा किया है राम राम कहते हुए कि हम फिर से तीसरी बार कमल खिलाने का काम करेंगे। मैम, आप बार बार मोदी की गारंटी की बात करते हैं और विकास की बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक ईमानदार मुख्यमंत्री को हटाना पड़ा, और जो दूसरे नंबर पे देश में दूसरे नंबर पे जो सांसद रहे उन्हें भी हटाना पड़ा, और कैंडिडेट भी जो है दूसरी जगह से कांग्रेस के कैंडिडेट जो है उनको लाया जा रहा है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो हम भारतीय जनता पार्टी एक संगठन आधारित पार्टी है, और मैं केवल एक भारतीय जनता पार्टी की छोटी सी कार्यकर्ता हूँ। जो क्वेश्चन आपने पूछे हैं, ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है। और किसी तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी मनोहर जी हमारे लिए आज भी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कोई हटाया नहीं गया। और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी नहीं है जो परिवारवाद पर चलती है। हमारी पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, संगठन आधारित पार्टी है। और आपने ये तो देखा कि उन्हें बदला गया, आपने ये नहीं देखा एक छोटा सा कार्यकर्ता जो बूथ अध्यक्ष हुआ करता था, एक छोटे से समाज से आता था, वो पहले प्रदेश अध्यक्ष बना और किस तरह से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। और जनता इस बात को पसंद करती है, और यही परिवर्तन है, और लोकतंत्र की ये सच्ची साक्षी है ये पार्टी, और इसी तरह से लोकतंत्र को बचाते हुए आगे हमारी पार्टी काम करती है। क्योंकि आप पूर्व मंत्री रही हैं, इसलिए एक सवाल जरूर करूंगा कि आज किसान भी जो है सड़क पर है, और जो कर्मचारी है वो ओपीएस के लिए या अपने वेतन के लिए जो है आंदोलन पे है, और बहुत सारे जैसे युवा है वो बेरोजगारी की बात करते हैं, क्या उसके बावजूद भी आपको भरोसा है कि अब की बार भी बीजेपी जीती? देखिए, आपने बात करी किसान की, आपने कर्मचारी वर्ग की और युवा वर्ग की बात करी, तो मैं ये बात दावे से कह सकती हूँ कि अगर पिछले 10 सालों के अंदर आज अगर आप किसानों की बात करें या स्वामीनाथन रिपोर्ट की, आयोग की बात करें, तो केवल एक बात में इसका जवाब है कि स्वामीनाथन ने खुद इस बात का कहा कि जितनी भी बातें मैंने अपनी रिपोर्ट में कही थी, इस सरकार ने हर एक बात को लागू करने का काम किया है। दूसरी बात, जब हम युवाओं की बात करते हैं और ये बेरोजगारी के आंकड़े पता नहीं ये विपक्ष कहाँ से उठाकर लेकर आते हैं, और आप
दोबारा से इस चीज पर गौर करिए, ये सर्वे करवाइए। जितना काम आज हमारे देश के युवाओं के लिए आज हमारी सरकार ने किया है, चाहे वो स्टार्टअप के माध्यम से, मुद्रा बैंकिंग योजनाओं के माध्यम से, या जिस तरह से भी हमने जितनी भी योजनाएं बनाई है, एक छोटा सा एक उदाहरण, 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो पहली योजना जो प्रधानमंत्री जी लेके आए थे वो जन धन योजना के तहत देश के अंदर खाते खोलने की बात थी। उस समय 140 करोड़ देश के अंदर केवल मात्र, आप हैरान रह जाएंगे, आजादी के 65-70 सालों के बाद केवल मात्र 20 करोड़ खाते थे जी, केवल। और उस समय जितने ये खाते खोलने का काम किया कि आज हर एक परिवार के पास खाता है, तो ना जाने कितने लाखों युवाओं को भी अकाउंट खोलने का काम दिया था। अटल सेवा केंद्र आज गली गली में है जहाँ पर हमारे युवा काम करते हैं। इस तरह से चाहे वो इंडस्ट्री का क्षेत्र हो, चाहे सरकारी नौकरियों का क्षेत्र हो हमारा, और खुद का स्वावलंबी बनाने का क्षेत्र हो, आज हमारा युवा जो है वो जॉब सीकर नहीं, जॉब प्रोवाइडर भी बनने का काम हमारी सरकार ने हुआ है, तो लगातार आगे बढ़ रहा है। टिकट के दावेदार थे, जो लोग टिकट के दावेदार थे वो शायद कुछ रूठे हुए हैं, आजकल मोहनलाल बडोली जी के साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनको कैसे मनाएंगे? देखिए, टिकट के दावेदार लोकतंत्र है और हर कोई एक प्रयास करता है, एक और कहते हैं कि टिकट तो सीट तो एक ही है, एक को ही मिलेगी। और हम भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही और परिवार में, वैसे तो मेरे ख्याल से सोनीपत में कोई रूठा नहीं है, आप नाम बताइए, कोई भी रूठा नहीं है, सब मोहन जी के साथ है, बिल्कुल पूरा दिया है, भरोसा दिया है, हर पूरा समाज नरेंद्र मोदी जी के साथ है, और कोई पीछे से भी आवाज आ रही है समाज की, कोई रूसा हुआ नहीं है यहाँ। इस दौरान जगत महान न्यूज ने वहाँ उपस्थित जन सामान्य से बात कर जानने का प्रयास किया कि वे वर्तमान चुनावी माहौल में पार्टियों के बारे में क्या सोचते हैं। कुलदीप जी हैं, इनसे पूछते हैं कि यहाँ आज मोहनलाल बडोली जी की जो है सभा थी, तो किस तरह का माहौल यहाँ है, और क्या आपको लगता है कि अब की बार फिर से क्या भाजपा के कैंडिडेट को जीत का मौका मिलेगा? चुनाव का बिल्कुल बज चुका है जी, और पूरे भारत देश में मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव होने जा रहे हैं, और सभी पूरी भारत जनता का एक ही उद्देश्य है, सभी जितने भी आम जनता जो भी पब्लिक है सभी का एक ही उद्देश्य है, सब अपना कमल के फूल का सामने वाला बटन दबाकर मोदी जी को हाथ मजबूत करेगी। नमस्कार साथियों, यहाँ कुछ महिलाएं हैं जो मोहनलाल बडोली के कार्यक्रम में पहुंची थी, आइए इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? सिमरन। सिमरन जी, आज आप यहाँ मोहनलाल बडोली के कार्यक्रम में पहुंचे, भाजपा में ऐसा क्या खास नजर आया जो आज इस कार्यक्रम में पहुंचे, आपको क्या फायदा पहुंचा इस सरकार? जी हमें तो बहुत फायदा हुआ है, हमारे बच्चों की स्कूल में से पैसे आते हैं, और हमें सिलेंडर भी मिला है फ्री में, जो हमें चूल्हे पे खाना बनाते थे। अच्छा, कब मिला आपको सिलेंडर? जी अभी ये 15-20 दिन हुए हैं। 15-20 दिन जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रजिया है। आपको भी कुछ मिला है? सिर्फ राशन कार्ड बना है बस। आपकी बार किसके साथ? मोदी के साथ। मोदी क्यों, राहुल गांधी बुरे हैं क्या? जी हमें तो मोदी जी अच्छे लगते हैं, हमारा पीला कार्ड भी अभी बना है। यहाँ बच्चे भी हैं, आप क्या कहोगे बच्चों, किसको पसंद करते हो आप? मोदी जी को। आप भी मोदी जी को? हाँ। जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।